दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार सभी दीदियों और बहनों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कैसी जानकारी, जो जानकारी सभी स्वयं सहायता समूह कैडर की बहनों के लिए है। आंगनबाड़ी बहनों को भी इस वीडियो में अच्छा खासा लाभ मिलने जा रहा है। कोटेदार के राशन के दुकान की निगरानी करेंगी आंगनबाड़ी व समूह की महिलाएं। 2024 का एक नया नियम है जिसके तहत आप अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको सरकार ने एक खास जिम्मेवारी दी है। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे और आप घर बैठे कमाते रहें। कन्नौज जिले के गुरसहायगंज क्षेत्र में कोटेदारों की दुकानों पर अब आंगनबाड़ी वर्करों को नोडल के रूप में राशन वितरण पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी वर्कर की ड्यूटी लगाई गई है। कोटेदारों के दुकान पर राशन घटतौली की लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिससे लाभार्थियों को गेहूं चावल की मात्रा कम दी जा रही है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती करते हुए आंगनबाड़ी वर्करों को राशन वितरण की निगरानी की ड्यूटी में लगाया जा रहा है। अगर मैं आपको बताऊं तो किस मार्च महीने तक राशन वितरण व्यवस्था के लिए नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और इस संबंध में जिले के संबंधित विभागों को ड्यूटी की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें इस बार बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी वर्करों को भी शामिल किया गया है। क्षेत्र की CDPO पूजा सिंह का कहना है कि जिन आंगनबाड़ी वर्करों को राशन वितरण व्यवस्था में कोटेदारों की दुकानों पर निगरानी के लिए लगाया गया है, उन आंगनबाड़ी वर्करों को इसकी सूचना दे दी गई है। अब आंगनबाड़ी वर्कर नोडल अधिकारी के रूप में कोटेदारों की दुकान पर ड्यूटी करेंगे। आंगनबाड़ी द्वारा इस वितरण व्यवस्था का भौतिक सत्यापन करके अपनी रिपोर्ट संबंधित अधिकारी को सौंपेंगे। आपको मैंने बताया इस वीडियो में किस तरीके से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही नहीं बल्कि आंगनबाड़ी बहनों को भी कोटेदारों की राशन वितरण प्रक्रिया की निगरानी करने के लिए दिया गया, एक तरीके का इंस्पेक्टर का काम, निगरानी करने का काम दिया गया है, निरीक्षक का काम। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताता हूं, प्रत्यक्ष तौर पर बताता हूं कि कैसे आप इस काम को ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कार्यालय में संपर्क करेंगे और ब्लॉक स्तर पर जाके एक एप्लीकेशन देंगे इन सारी चीज़ों को लेके। बाकी अगर आपके यहाँ के CDP मुख्य विकास अधिकारी ही आपको अवगत करा देंगे कि आपको किस राशन की दुकान पे आपके ग्राम पंचायत में कौन सा कोटा है जहाँ पर आपको निगरानी करनी है। अगर आपको फिर भी जानकारी नहीं मिलती, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका 100% एग्जैक्ट निकाल के डेटा दूंगा, कहाँ पर आपकी ड्यूटी लगी है, किस तरीके से आपको आवेदन करना और कहाँ पे जाकर आपको एप्लीकेशन देना है। बाकी कन्नौज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जनपदों में, ज़्यादातर ज़िलों में ये जिम्मेवारी संबंधित स्वयं सहायता समूह की कैडर बहनों को और आंगनबाड़ी बहनों को दे दिया गया है। निवेदन करता हूँ, अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।